तो फ्रेंड्स मैं आपको लेके आ गया हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर आप जैसा देख रहे हैं मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है और बैंक निफ्टी के अंदर कुछ इंडिकेटर लगा रखा है मैंने और इस इंडिकेटर बेस पर अगर आप काम करते हैं तो आप दिन के दस में से आठ ट्रेड सक्सेस हो सकते हैं और दो में हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो फ्रेंड्स अगर आप इस इंडिकेटर पर काम करना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस इंडिकेटर को हम यूज़ कैसे करेंगे फ्रेंड्स आप जैसा देख रहे हैं अगर इंडिकेटर के अंदर ग्रीन लाइन और रेड लाइन के बीच में अगर मार्केट चल रहा है तो आप मान के चलना कि एक साइडवेज मार्केट है ठीक है फ्रेंड्स अगर इसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है शॉर्ट सिग्नल के साथ में और नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाती है तो हमको अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिल सकता है और ऐसे ही अगर एक लॉन्ग का इंडिकेटर है और इसकी नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो आप मान के चलना कि हमको अच्छा खासा एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है तो मैं आपको कल का एनालिसिस भी बता देता हूँ कि कल क्या होने वाला मार्केट में और जैसा मैंने कल अपडेट भी किया था आपको कि आज क्या होने वाला मार्केट में ठीक है फ्रेंड्स तो कल मैंने आपको बताया था अगर बाय करना है बैंक निफ्टी को अगर ऊपर ही जाना है तो छत्तीस हज़ार दो सौ पिचहत्तर के ऊपर सस्टेन करना चाहिए तो मार्केट के अंदर हमको अच्छा खासा एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल सकता है इसी के साथ में मैंने आपको कुछ लेवल भी अपडेट किए थे बाइंग साइड के ठीक है फ्रेंड्स और अब मुझे लग रहा है कि कल मैं एक तो शॉर्ट का सिग्नल दे रखा और अगर इसके नीचे निकलता है मार्केट आठ सौ बहत्तर के नीचे निकलता है पैंतीस आठ सौ बहत्तर के नीचे निकलता है तो हमको अगेन एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है जो हमको सडन फॉल दिखेगा वो सो सवा सौ पॉइंट का दिखेगा और इसी के साथ में एक नीचे गैप भी है जो हो सकता है कि कल की तारीख में या जब भी मार्केट अगर फॉल होता है तो हमको ये गैप फिल करने आ सकता है जो ये गैप है हो सकता है ये गैप फिल करने आ सकता है ठीक है फ्रेंड्स तो अगर आप ट्रेड करते हो तो पहले सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिए उसके बाद ही ट्रेड कीजिए ठीक है फ्रेंड्स तो अगर आपको वैसे इस इंडिकेटर के बारे में कुछ पता चल चुका होगा और अगर तो भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे अपडेट कर सकते हैं जिससे क्या है कि मैं आपके लिए कुछ और इसके रिगार्डिंग वीडियो लेके आ सकूँ ठीक है फ्रेंड्स इसी के साथ में मैं आपको निफ्टी फिफ्टी का भी चार्ट अपडेट कर देता हूँ निफ़्टी फिफ्टी में आप जैसा देख रहे हैं कि एक इसने रेंज बना रखी है और रेंज में आपको बताना चाहूँगा सोलह हज़ार तीन सौ तीस के ऊपर निकलता हो सिग्नल हमको अगर बाइंग का मिलता है लॉन्ग का इंडिकेटर मिलता है तो नेक्स्ट कैंडल पे ही हमको बाय करना है जो हमारा टारगेट रहेगा ऊपर का रहेगा ठीक है फ्रेंड्स और इसके नीचे निकलता है सोलह सो या सोलह सो को क्रॉस करता है क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट का सिग्नल दे रखा है और इसके नीचे निकलता है तो आप मान के चलना हमको अगेन एक फॉल देखने को मिल सकता है कल या परसों की तारीख में और इसके बीच में रहता है ग्रीन और रेड लाइन के बीच में तो आप मान के चलना एक साइडवेज मार्केट है और ऑप्शन में काम करते हैं तो इस इंडिकेटर का आप फ़ायदा उठा सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो प्लीज़ अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को अपडेट कर दी सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बाद जैसा भी मेरा अपडेट होता है उसके अंदर वो मैं डेली के डेली मॉर्निंग में आ, साढ़े बारह एक बजे तब जब यूरोप का मार्केट खुलता है तब मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ इसी के साथ में मैंने आज कुछ कॉल्स भी प्रोवाइड करी थी मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे तो उसके अंदर भी अच्छा खासा लोगों ने प्रॉफिट कमाया है अच्छा खासा ट्रेडर्स ने प्रॉफिट कमाया है कुछ स्क्रीन भी मैंने उसके अंदर डाले हुए हैं प्रॉफिट शॉट के ठीक है फ्रेंड्स तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और अगर आप ट्रेड करते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिए उसके बाद ही ट्रेड कीजिए मैं सिर्फ अपना ओपिनियन आपके सामने रख रहा हूँ और इस इंडिकेटर का बता रहा हूँ कि इंडिकेटर से हमको कितना फ़ायदा है कितना नुकसान है ठीक है फ्रेंड्स थैंक यू सो मच